हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। और भाई, आज हम भाई बताने वाले हैं सेबी का जो भी भाई रूल आया है, और काफ़ी सारी है कि न्यूज है कि चल रहा है, और उससे भाई जो भी मार्केट में है कि ज़्यादा लोग लॉस कर रहे हैं, हम हैं चाहे और कोई भी हो, उन लोगों के लिए भाई ये थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि छोटे अमाउंट से लेकर लोग आते हैं और उसको है कि ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पर और वो छोटे छोटे लॉस है कि बड़ा हो जाता था, तो उसके लिए भाई ये ठीक है। और अब हम तो भाई बिल्कुल भाई इससे खुश हैं, क्योंकि तो हमको भाई तो कोई तो दिक्कत है नहीं, सभी रूल चेंज करे चाहे क्वांटिटी बढ़ाए चाहे कुछ भी करे। देखो भाई, जो भाई हम पहले क्वांटिटी एक लॉट से हम ट्रेड करते थे निफ्टी में, वहां पर हमको 4 लॉट लेना पड़ेगा, बाकी तो कोई दिक्कत ना है नहीं। 2500 लगेगा वहां पर, 10,000 लगेगा 100 वाला प्रीमियम के लिए, और प्रीमियम बढ़ाएगा तो कोई अमाउंट वहां पर बढ़ जाएगा भाई, प्रीमियम बढ़ा रहेगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा। और रह गया बात की भाई, और आप लोग का एक और कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, 2 दिन से ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो? भाई पैसा रहेगा तभी तो ट्रेड करेगा, ट्रेड हमने क्यों नहीं कर रहा है वो सब हम आप लोगों को है कि ऑर्डर हम अपना दिखा देंगे भाई। और एक दिन भाई हमारा है कि एसएल लग गया था, वहाँ पर कैपिटल कम हो गया, और इसलिए हम है कि वहाँ पर ट्रेड हम बंद कर दिए। तो और कितना मेरा लॉस हुआ उस दिन, तो वो भी हम भाई आप लोगों को इस वीडियो में है कि दिखा देंगे। और यही सब चल रहा है भाई, मार्केट में रहने पर तो इतना तो उथल पुथल था, आपको बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। सेबी जो भी रूल उठाया है वो हम लोग के लिए ही सही रूल ही निकाला है भाई। और जहाँ भी अभी जो भाई है कि सीखने को है कि चांस, जितने भी नए लोग हैं चाहे हम हैं, उन लोगों को चांस है कि सीखना का सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए भाई है कि सेबी ज़्यादा टाइट कर दिया है, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट बड़ा लॉस हो जाता था, लेकिन इस तरह से अब नहीं होगा। तो भाई कुछ हम है कि चार्ट जो भाई हम आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, सबसे बेस्ट बाइंग जोन, सेलिंग जोन, प्रॉफिट बुकिंग जोन कौन कौन सा है, वहीं भाई हम आज थोड़ा हम आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट पर या निफ्टी के चार्ट पर दिखा दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सेंसेक्स का किया था और कितना लॉस हुआ सब कुछ दिखाते हैं। तो आ गए हैं अभी भाई, हम आ गए हैं भाई हम स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोगों को हम दिखाते हैं। पहले सबसे पहले चलते हैं भाई ऑर्डर में, हम एक बार ऑर्डर में आ गया भाई, अमाउंट यहाँ पर मेरा 0 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन पर आ गया, यहाँ देखिए भाई 27 तारीख को ही ट्रेड हमने लिया है भाई, यहाँ पर देख लिया 27 सितंबर, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं भाई आपको? आप लोग देख लीजिए भाई, 27 सितंबर को ही हमने ट्रेड किया है, यहाँ पर देख लीजिए 14 वाला प्रीमियम, फिर 19, फिर 6, इसी तरह से हमने ट्रेड जो किया था भाई, और उसी में हमारा लॉस हुआ। और कहाँ पर भाई एक और बात हम दिखा देते हैं भाई, इसका ट्रांजेक्शन हमने दिखाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा उस दिन हमें कितना लॉस हुआ था। तो यहाँ पर देखिए भाई 1200 हमने विड्रॉल किया है, वो दिखा रहा है यहाँ पर भाई, ठीक 1200 हमने ये विड्रॉल किया है, ये दिखा रहा है ठीक भाई, और 30 सितंबर को, और यहाँ पर 3157 रुपया जो भाई हमने उस दिन सेंसेक्स एक्सपायरी में लॉस किया है 27 तारीख के दिन, यही है भाई। और आप लोग का इसी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था भाई, ट्रेड कर रहा है ट्रेड कर रहा है, दिखा नहीं रहा है दिखा नहीं रहा है, तो आप लोग देखिए लिए भाई। और आप लोग के चल से अब हम ले चलते हैं भाई, लेकिन ये सब तो अब तो कहानी तुरंत ख़त्म कर देगा सेबी, डेली डेली एक्सपायरी, डेली डेली 0 हीरो, ये बंद कर दे रहा था, बहुत अच्छा है भाई। दिमाग में चलते रहता था ना से आज 0 करना है, ज़्यादा रुपया नहीं है, 400 500 1000 है ये है, उसको 0 करके हीरो बना देते हैं तो 0 हो जाते हैं। इसी के चक्कर में है ना ट्रेडर लोग को, नए नए चाहे हमें चाहे आपको चाहे किसी को भी साइकोलॉजी डेवलप
नहीं होता हो पा रहा है भाई। लेकिन अब है कि सबका साइकोलॉजी डेवलप भी हो जाएगा, इमोशनल कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो सब भी हो जाएगा भाई, क्योंकि वोलेटिलिटी एकदम बहुत कम रहेगा और चांस रहेगा नए भाई लोग को चाहे हमें सीखने को ज़्यादा फोकस रहेगा। तो भाई हमने बैंक और निफ्टी में कुछ लेवल को ड्रॉ किए हैं हम अपने से खुद भाई निकाल कर, तो उसको चलते हैं हम आप लोगों को दिखाते हैं वो कैसा लेवल है। यहाँ पर निफ्टी पर भाई हमने आ गया, निफ्टी के चार्ट भाई ओपन करते हैं एक बार हम। लेवल जो निकाला है ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है भाई, ये है 26,000, 26,025 और 26,000, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन भाई हमने निकाला है। और दूसरा आ गया भाई यहाँ पर है ये क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट जोन बोलते हैं भाई इसको, सपोर्ट जोन 25,875 और 25,940 25,875 और 25,940 25,940 ये सपोर्ट जोन है भाई। और यहाँ पर सबसे बेस्ट बाइंग जोन हमारा भाई है यहाँ पर 25,475 और 25,625 ये हमारा बाइंग जोन है भाई, ठीक है। ये हमारा दोनों बाइंग जोन है, दोनों के बीच में भाई बहुत अच्छे तरह से चार्ट को रीडिंग करना है और बाइंग जोन देखना है, अगर बने तो लेना है नहीं तो नहीं लेना है। अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, जब होगा तब तब तक बीच में होगा तो होगा, नहीं तो ऐसे ही आप लोगों को चार्ट हम बताएंगे भाई। और चलते हैं, और एक और बात भाई, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा भाई तो इस जगह पे सेल का भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी पोजीशन बन बेस्ट बाइंग जोन भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 52,075 और 52,275 ये बेस्ट बाइंग जोन है भाई बैंक निफ्टी का। तो हम भाई फिर मिलते हैं कल कुछ नए वीडियो के साथ। ओके भाई, बाय बाय। अब ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा भाई क्योंकि अब ज़्यादा अमाउंट लगेगा और लॉट साइज भी बढ़ जाएगा, सब कुछ सेबी का रूल आप लोग तो देख ही रहे हैं न्यूज किस तरह से फैल रहा है सेबी के बारे में से, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई ट्रेडिंग करना अब। तो ट्रेडिंग में भाई छोटे लोगों के लिए ये सब ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि वहाँ पर छोटा जो नए नए लोग आते होंगे और छोटा अमाउंट डाल कर वो लॉस कर वो बड़ा लॉस कर लेते थे, और यहाँ पर जो भी भाई बड़ा जो ट्रेडर आएगा उन लोगों के लिए भाई पैसा बनाना ठीक है, लेकिन अब छोटे इन्वेस्टर को भाई पैसा बनाना बहुत अब मुश्किल कर दिया से भी। और इस पर आप लोग भाई क्या अपना राय देना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सुबह से भाई हम इसी टेंशन में पड़े हुए थे, सिम क्या करे मेरा चैनल का व्यू डाउन हो गया और हमें भी कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसे वीडियो बनाकर डाल दे रहे थे स्टॉक का, वो भी व्यू भी नहीं आ रहा है, और हम इसी सबसे से भाई हम भी थोड़ा परेशानी में पड़े हुए हैं। और भाई अब चैनल पे अब हम इसी तरह का भाई वीडियो बनाना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा भाई, कोई ना कोई तो एक्टिविटी हमें करना ही पड़ेगा ट्रेडिंग में भाई, अब तो सफल होना बहुत मुश्किल कर दिया से भी, और सब कुछ वहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ते जा रहा है, हर चीज़ बढ़ते जा रहा है।